गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स टॉपिक सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन आई विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग। व्हाट इज दिस? इफ एनी डिजिट ऑफ माइन्यूट इज स्मॉलर देन इट्स करस्पॉन्डिंग डिजिट ऑफ सब्ट्राहेंड, वी सब्ट्रैक्ट यूजिंग रीग्रुपिंग। इट मीन्स माइन्यूट का कोई भी डिजिट स्मॉलर होता है सब्ट्राहेंड के करस्पॉन्डिंग में, तो हम लोग रीग्रुपिंग प्रोसेस से सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस आई हैव टेक वन एग्जांपल। 523 माइनस 235। फॉर दिस प्रोसेस फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स लाइक दैट। ओके, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स लाइक दैट। स्टेप वन इज दैट द सब्ट्रैक्ट द वंस। हियर 3 इज स्मॉलर देन 5, माइन्यूट इज स्मॉलर देन सब्ट्राहेंड, सो वी सब्ट्रैक्ट यूजिंग रीग्रुपिंग प्रोसेस। फॉर दिस वी कैरी फ्रॉम टेंस प्लेस, सो वी कैरी 110। हियर इज 3, 3 वंस प्लस 110, 110 मीन्स 10 वंस, सो आफ्टर रीग्रुपिंग वी गेट 13, 13 माइनस 5 वी गेट 8। ओके, इन टेंस प्लेस वन इज लेफ्ट आफ्टर बोरोइंग। ओके, हियर वन इज स्मॉलर देन 3, सो वी कैरी फ्रॉम 100 प्लेस। हियर स्टेप टू इज द सब्ट्रैक्ट द टेंस प्लेस। इन टेंस प्लेस वी कैरी फ्रॉम 100, सो 110 प्लस 100, इट मीन्स 10 tens, so after regrouping we get 11. Okay, 11 minus 3 we get 8. After borrowing in 100 place 4 is left. Okay, step 3 is that the subtract the hundreds, so 4 minus 2 we get 2. After subtraction we get result 288. So we subtract, in this process we subtract the numbers using regrouping process. Understand? So I hope all of you understand how to use subtraction with regrouping process. Okay, thank you.